विमान फंस गई है यहाँ पे। ओके जी, हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अब वही तो गली, हम बाइक पे जा रहे हैं राज के साथ, तीन लोग बैठ के एक बाइक पे। तुम्हारा बैग है मेरा? हाँ। क्योंकि गड़दांगली यहाँ से कितना किलोमीटर है? दस किलोमीटर ही है, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो चले जाते हैं। चलो, और कोई ऑप्शन दूसरा है भी नहीं हमारे पास, नहीं तो हिचाइक करके जाना पड़ता। और आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम बाइक से आ गए हैं लंका तक। ये एक्चुअली एक विलेज है, यहाँ से हमको हाइक मतलब वॉक करके जाना पड़ेगा टिल गड़तांगली। तो हमें 2 किलोमीटर का वॉक करना है यहाँ से, और हाँ मतलब हाइक होगा वॉक होगा वो तो चल के ही पता चलेगा। बाय द वे अभी यहाँ पर रुके हैं, पीछे टी स्टॉल है तो कॉफ़ी पी रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी के लिए, तो कॉफ़ी लेंगे उसके बाद फिर देन विल वॉक टूवर्ड्स दैट। तो एक ब्रिज है उसको क्रॉस करके, और यहाँ पे परमिशन लगती है, तो मतलब लाइक एंट्री टिकट, क्योंकि टूरिस्ट के लिए ओपन है, तो 150 रुपीज़ एंट्री टिकट है, वो लेना है, और उसके बाद फिर हम जाएंगे गड़तांगली के लिए। बड़ी तो अब फाइनली हम एंटर कर रहे हैं तांगली के एंट्री पॉइंट पे हैं हम लोग। यहाँ से अभी हम टिकट्स लेंगे और बस अंदर की ओर जा रहे हैं। 2 किलोमीटर का ट्रैक है, मैंने आपको जैसा बताया, कॉफ़ी वॉफी पी ली है, ऑल सेट, लेट्स गो। कितना? 150 है ना? नेलोंग वैली वाला रास्ता है, तो अगर हम नेलोंग वैली जाते तो हमें परमिशन लेनी पड़ती, और परमिशन लेके आप जा सकते, इसलिए बहुत ही कम गाड़ियाँ दिख रही है। गाइस, तो हम आधे से भी ज़्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया है, और लिटरली मैं बता रही हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर विजिटेड इन उत्तराखंड। मतलब ऐसा बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, बट ऑब्वियसली मतलब आपको हर कोई एक वैली होती है ना, कोई एक स्पेस, कोई एक जगह होती है, कोई एक प्लेस होती है किसी स्टेट की जो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो नाउ आई कैन से उत्तराखंड में मुझे ये वैली, हर्षिल वैली, इज़ लाइक लिटरली इट्स वेरी ब्यूटिफुल। अरे भाई, सो मच एडवेंचर, मेरी माँ देखेगी तो अगली बार से मुझे आने नहीं देगी। हाँ तो ना, ओ गॉड, ओ माय गुडनेस, मुझे हाइट से थोड़ा सा डर लगता है। वहाँ से रिवर दिख रही है, ओ गॉड, मैं तो ऐसी हवा में ही उड़ जाऊंगी शायद। Yeah.
रुक जा मैं हाथ दे रही हूँ। हाथ रख के बहुत ही हवा कम हो गई, फटाफट आओ फटाफट हाथ रख के आ जाइए। देखा भी क्या हाल हो गया था, एकदम ऐसे मार डाला अल्लाह। मैं उस वाले पोजीशन पे आ गई थी, अब बड़े मजे सूझ रहे, तब तो बहुत ही ऐसे फट ली थी लिटरली। ऐसे लग रहा था कि क्या भाई अब कैसे वापस जाएंगे। जागृति ने कॉन्फिडेंस दिया, नहीं मानी चलो, इसलिए हम लोगों ने ऐसे आउटफिट एक्सचेंज कर लिया है, जैकेट। पहुंच गए हम गोदांगली फाइनली। ओके एवरीबॉडी, सो आफ्टर 40 मिनट्स लाइक आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। हम लोग तो थोड़ा रुकते रुकते आए इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट आप इजीली, बहुत ही सिंपल और बहुत ही एकदम प्यारा ट्रेल है, तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। हम पहुँच गए गिरतांग गली के पास, अभी चल के थोड़ा डिटेल में बताते हैं आपको इसके बारे में। के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो गरतांग गली जो है, इसको बनाया था करीबन 150 साल पहले सेठ धनी राम ने, जो कि बगोरी विलेज, जो कि मैंने वीडियो इससे पहले डाल दिया है चैनल पे, आपने नहीं देखा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ गांव है, जो जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था तो 2019 में। हाँ जी, तो वो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगी कार्ड में, वो आप देख लेना। बट सेठ धनीराम जो कि उसी गांव के थे, उन्होंने ये पूरा गरतांग गली बनवाया था। वो किस लिए कि इंडिया और तिब्बत के बीच में जो ट्रेड होता है, जो लोग आना जाना करते हैं, उसके लिए सहूलियत हो जाए, और उसको ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से बस आगे जाके तिब्बत बॉर्डर लगता है। तो इसलिए उन्होंने ये बनवाया था, और बनवाया था उन्होंने पेशावर के पठानों से, क्योंकि ये जो है सारा काम हैंडमेड है, और देवदार की जो लकड़ियाँ हैं, जो हिमालय में पाए जाते हैं देवदार के पेड़, उसकी लकड़ियों से बना हुआ है, बहुत ही रस्टिक, और अभी भी वही फील आता है। 2019 में इसमें काम फिर से शुरू किया गया, क्योंकि इसे टूरिज्म पर्पस से ओपन करना था फिर से, तो यस इसमें काम हुआ, और 2021 लास्ट ईयर ही इसे ओपन किया गया टूरिज्म के लिए। और लिटरली यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक सीरियसली 150 साल करीबन, लाइक या मतलब सीरियसली। ऑल्सो जैसे कि आप यहाँ पर नाम लिखे हुए देख रहे हो, जैसा कि लोग हर टूरिस्ट पता नहीं क्यों करता है, ये फालतू की चीज़ है, बट टूरिस्ट पता नहीं क्यों आके हर जगह अपना नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब ये ओपन हुआ, और जिन जिन लोगों ने आके यहाँ पर अपने नाम लिखे ना, क्योंकि बाहर जब आप यहाँ पर आते हो तो आपकी एंट्री होती है प्रॉपर, आधार कार्ड और ये सब देखा जाता है, आपका इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, तो जिन जिन लोगों ने अपने अपने नाम लिखे थे ना, उनके नाम से उनको कॉन्टैक्ट किया गया, और उनको कॉन्टैक्ट करके वापस बुलाया गया, और उन पर थोड़ी सी कुछ कार्रवाई हुई थी, जुर्माना लिया गया था उनसे। सो दिस इज अमेजिंग थिंग। तो वैन यू आर विजिटिंग एनी हिस्टोरिक प्लेस, फॉर दैट मैटर नॉट ओनली गरतांग गली, कोई भी जगह आप जा रहे हो, इस तरीके की हरकत मत करो यार, अपना नाम लिखना और ये सब। आपके नाम लिखने से क्या हो जाएगा, आपने बनाया ये तो नहीं हो जाएगा, राइट? दिस इज जस्ट अ फुलिश थिंग विच पीपल डू आई थिंक, सो प्लीज ऐसा मत किया करो अगर आप ऐसा करते हो कभी, लाइक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल,
एंड कमेंट बिलो और बताना मुझे आपको ये उत्तराखंड वाली सीरीज कैसी लग रही है, और जो पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप देख सकते हो पिछले वीडियोस। अभी के लिए चाचा बाय बाय, नमस्ते।